नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल यात्रा विद विशाल पर। और फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि चौपाटी, जो आगरा चौपाटी एक नया कॉन्सेप्ट आगरा में शुरू किया है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगरा चौपाटी आपको दिखाने। ये हम लोग अभी हिल्टन होटल डबल ट्री बाय हिल्टन के बराबर से जो रास्ता जाता है जोनल पार्क की तरफ, देखिए हम लोग आगरा चौपाटी पहुंच गए, जो कि जोनल पार्क है। जो अभी मैं बता रहा था कि ताज नगरी में एक जोनल पार्क है, तो उसी के एक पार्ट में आगरा चौपाटी को डेवलप किया गया है। ये देखिए, ये दोनों साइड में ये टिकट काउंटर्स ओपन किए हैं एडीए ने। हम लोग एंटर कर गए हैं फ्रेंड्स, और बता दूँ कि 10 साल तक के बच्चों के लिए ये टिकट फ्री है। ये देखिए, काफ़ी ग्रीन कैंपस है अंदर अंदर, काफ़ी चल के जाना पड़ेगा तब पहुंचेंगे वहाँ आगरा में, मतलब चौपाटी के मेन गेट पे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ग्रीन एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और इस समय तो थोड़ा सा अभी गर्मी ज़्यादा नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए आगरा चौपाटी साइन बोर्ड भी कितना इन्होंने बड़ा और लाइटफुल लगाया है, मतलब इसको भी लोग एक चौपाटी और एक सेल्फी पॉइंट की तरह ही यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी फोटोग्राफी यहाँ पे कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा कैंपस है एक्चुअली, ये पार्क ही बहुत बड़ा है, तो एक काफ़ी बड़े पार्ट में इस चौपाटी को यहाँ डेवलप किया है। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं कि कितनी शॉप्स हैं, किस किस चीज़ की शॉप्स हैं और कैसे कैसे मतलब डेवलप किया है इसको, और क्या अरेंजमेंट्स हैं अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम चौपाटी के अंदर एंटर कर गए हैं, और जैसे कि आपको देख के लग ही रहा होगा, मतलब ये एक स्क्वायर शेप एरिया है जिसमें मतलब पेरीफेरी में ये शॉप्स बनाई गई हैं, करीब 35 शॉप्स हैं यहाँ पे। ये देखिए अन्नपूर्णा पान भंडार, पान की एक शॉप है, ये जूस एंड शेक्स का एक शॉप है। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग पंछी पेठा देखिए, जो आगरा का एक वर्ल्ड फेमस एक प्रोडक्ट है पेठा, जो ग्लोबली काफ़ी पसंद किया जाता है, उसका भी इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में, मतलब मैंने बताया ना कि पेरीफेरी में तो ये शॉप्स बनाई हैं सारी, और बीच में पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है। आज तो जब हम गए थे तो काफ़ी भीड़ थी, तो बैठने की जगह कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन बेसिकली जब भी आप जाएंगे तो मतलब ठीक से आराम से बैठ के बीच में खा पाएंगे। काफ़ी ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, प्लांट्स हैं बीच में, ये हट्स टाइप की बना रखी हैं, छाबड़ा बेकर्स, बेसिकली जो आगरा के वेल नोन फूड जॉइंट्स हैं उन्होंने ही यहाँ पे शॉप्स ओपन करी हैं। ये देखिए लोग फोटो ले रहे हैं। श्री बॉम्बे पाव भाजी, पाव भाजी हमने भी ट्राई की, और हमने इनको बनाते हुए भी देखा कि कैसे हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन अच्छा हाइजीन मेंटेन किया है। और देखिए पाव भाजी, और सच में बहुत टेस्टी पाव भाजी थी, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ जाएँ तो पाव भाजी ज़रूर ट्राई करें। मैक एंड चीज़ अनदर शॉप, ये देखिए राजस्थानी स्वाद, राजस्थानी फूड का एक शॉप, चाय वाला। देखिए फ्रेंड्स, आजकल चाय वाला का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे देश में, तो उसका भी एक यहाँ पे शॉप खोली गई है। अवधि फूड्स का की एक शॉप है, आनंद फूड्स। बेसिकली ये जो आगरा के एक भगत स्वीट्स करके जो जॉइंट है, वो उन्होंने यहाँ पे एक ओपन किया है, और अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके, आगरा की लोकल जो बेड़ी मिलती है, कचौड़ी, और इसके अलावा सारा। ये देखिए जीएमबी, ये भी आगरा के एक फूड मतलब वेल नोन नेम है। मामा फ्रैंकी, ये भी आगरा का एक बहुत ही बड़ा वेल नोन नेम है नॉन वेजिटेरियन फूड लवर्स के लिए,
तो आगरा के हर एरिया में इनके शॉप्स आपको मिलेंगे। ये ताओ बाओ कोरियन फूड्स फ्रेंड्स, एक इंटरनेशनल फूड शॉप भी यहाँ खोली गई है, कोरियन फूड। तो जिसको भी कोरियन फूड पसंद है, अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट है तो वो यहाँ पर खा सकता है। फूड स्टॉक एक्सचेंज FSX, काफ़ी क्रिएटिव नेम रखा है इन्होंने अपने फूड शॉप का। तो फ्रेंड्स, आप जब भी आगरा आएँ, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट ADA ने निकाला है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने रामबाबू पराठे वाले, जो कि आगरा के एक बहुत ही वेल नोन पराठे के लिए जाने जाते हैं, तो हमने पनीर पराठा लिया। और देखिए पराठे के साथ में दो सब्जियां हैं, अचार है, ये देखिए पनीर भरा हुआ है इसमें, और सच में मतलब टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको, ये मेरी रिकमेंडेशन है। और देखिए फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट, जो मतलब आपको ट्राई करनी ही करनी है, हीरा लाल की कुल्फ़ी। बेसिकली इनकी जो शॉप है वो टूंडला में है, टूंडला आगरा से जब कानपुर जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा, एक छोटा सा टाउन है, तो उन्होंने भी यहाँ पे अपनी शॉप खोली है। तो आप खाएंगे तो रियली आपको वर्थ लगेगा कि, और रेट्स भी आपने देखे कि 40 रुपीज़ 70 रुपीज़, तो बहुत ज़्यादा रेट्स नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल रीजनेबल रेट्स हैं, और टेस्ट आपको बिल्कुल मिलेगा फुल। अब तो वैसे भी समर सीज़न आ रहा है, तो आप आइए आगरा और ये ज़रूर ट्राई करिएगा हीरा लाल की कुल्फ़ी, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा बीच में एक लाइव ऑर्केस्ट्रा, लाइव इवेंट चल रहा है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, जो आगरा सेल्फी पॉइंट में भी इस तरह के इवेंट्स चल रहे थे लगातार रोज़, वैसे यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा किया है। सच में एक बहुत लाइव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, और बदली हैपनिंग मोमेंट्स बन सकते हैं यहाँ पे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, लाइव सुनने का, लाइव कॉन्सर्ट्स का एक अलग ही क्रेज़ और एक मज़ा होता है, तो वो यहाँ पे हमको मिला। आप लोग भी आइए तो आप लोग भी पाएंगे। बेसिक अमेनिटीज़ के देख लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। ये देखिए RO क्लीन वाटर है पीने के लिए, RO वाटर है, और हैंड वॉश के लिए भी अलग से टैप्स बनाए गए हैं, और काफ़ी साफ़ सफाई है। बस देखना ये है कि आगे कितना मेंटेन होता है ये, लेकिन अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो पूरा जो एरिया था वो आपको दिखा दिया, अब वापस चलते हैं। और वापसी में देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा सेल्फी पॉइंट इन्होंने हार्ट शेप का एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है, वो आपको दिखा दें, फिर ये व्लॉग फिनिश करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हार्ट शेप का एक सेल्फी पॉइंट, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और लोग यहाँ पे खूब फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा चौपाटी का ये पूरा कैंपस आपको दिखा दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये व्लॉग को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, goodbye.